नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल हबी हबी में और मैं आपके साथ राजधानी शिमला से संजू चौधरी हूँ। प्रदेश में आगामी दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से मौसम को लेकर प्रदेश में क्या पूर्वानुमान लगाया गया है और उसकी जो जानकारी है वो इस मौसम अपडेट में हम आपके साथ जो है वो साझा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से आपके साथ जो है वो मौसम अपडेट के विषय में जानकारी साझा करने के लिए लाइव हुए हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान पर ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च का खूबसूरत नज़ारा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम बना हुआ है तो ऐसे में खूबसूरत जो है वो यहाँ पर नज़ारा बना हुआ है। मौसम आगामी दिनों के अंदर प्रदेश में किस तरीके से रहने वाला है, कहां कहां जो है वो बारिश मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से बताई गई है, कहां जो है वो बारिश नहीं होगी, उसके विषय में तमाम जानकारी जो है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ऐतिहासिक रिज मैदान से तस्वीरें जो है वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रदेश की राजधानी और दुनिया भर के अंदर पहाड़ों की रानी शिमला, जो दुनिया भर के अंदर पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर है, वहां पर मौसम बना हुआ है और लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ के मौसम का जो मिजाज है जिसके लिए दुनिया भर के अंदर पहाड़ों की रानी जो है वो मशहूर है, तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर लुक जो है वो लोग उठा रहे हैं उसकी आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने का यहाँ पर प्रयास सबसे पहले करेंगे। मौसम अपडेट की भी जो जानकारी है वो हम आपके साथ जरूर इस लाइव के अंदर साझा करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में अब लोगों को जो है वो ठंड सताती हुई नजर आ रही है। लोग जो है वो गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों प्रदेश में जो है वो बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं प्रदेश भर के अंदर तापमान में जो है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है कि प्रदेश में आगामी 1 नवम्बर तक जो है वो मौसम साफ बना रहेगा, किसी भी तरीके की जो बारिश है वो 1 नवंबर तक प्रदेश के अंदर नहीं होगी, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो है वो फिलहाल जो है वो पूर्वानुमान लगाया गया है। तो ऐसे में बारिश से तो जो है वो प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी लेकिन जिस तरीके से सुबह और शाम जो कोहरी जो सूखी ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को सता रही है। राजधानी शिमला की भी अगर बात करें तो सुबह शाम जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो ठंड सताती हुई नजर आ रही है। लोग जो है वो जो ठंड का जो है वो अनुभव प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला के अंदर जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है वो दिन में कहीं ना कहीं धूप जो है वो प्रदेश की राजधानी शिमला में खिली रहती है और ऐसे में जो लोग जो है वो कहीं ना कहीं दिन में जो है वो सुहावने मौसम का जरूर लुत्फ उठाते हैं लेकिन शाम के समय जो है वो जरूर कहीं ना कहीं लोगों को ठंड सताती हुई नजर आ रही है। तो ये राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर मौसम बना हुआ है, लोग जो है वो किस तरीके से मौसम के मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी जो है वो अब काफ़ी संख्या में पहाड़ों की रानी शिमला की ओर रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है वो प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का जो है वो रुख करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी शिमला ने अब अपनी जो पुरानी खोई रौनक है वो वापिस पा ली है, काफ़ी संख्या में जो है वो रोजाना यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। तो प्रदेश में जिस तरीके से अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट आया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों के जो चेहरों पर भी जो है रौनक देखने को मिल रही है। लोग काफी संख्या में बाहर से जो शिमला का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से अब त्योहारी सीजन भी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीते मानसून में जो पर्यटन कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया था अब कहीं ना कहीं पटरी पर लौट रहा है। पर्यटन कारोबारियों को इस जो त्योहारी सीजन है इससे कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें जो है वो कारोबार पर टिकी हुई है। जो नुकसान जो मानसून के सीजन में उनको झेलना पड़ा था अब जो है वो उसकी भरपाई पर्यटन कारोबारी करेंगे लेकिन अब देखना ही होगा कि कितना जो है वो टूरिस्ट इस त्योहारी सीजन के अंदर प्रदेश की राजधानी शिमला की तरफ रुख करता है। तो एक बार अंत में मौसम अपडेट के विषय में आपके साथ जो है वो जानकारी जरूर साझा करना चाहेंगे। उससे पहले ये ऐतिहासिक रिज मैदान से खूबसूरत जो नज़ारा जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, लोग यहाँ पर जो है वो लुत्फ उठाते हुए मौसम का नजर आ रहे हैं उसकी आपको जो है वो तस्वीरें दिखा देते हैं। और तमाम जो दर्शक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उनसे आग्रह ये जरूर रहेगा कि इसको लाइक व शेयर जरूर करें ताकि तमाम प्रदेशवासियों तक मौसम अपडेट के विषय में जो जानकारी है वो जो है वो पहुँच सके।
मौसम अपडेट के विषय में अगर जानकारी आपके साथ अंत में एक बार फिर साझा करें तो प्रदेश में आगामी 1 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर के अंदर मौसम साफ बना रहेगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो है वो पूर्वानुमान लगाया गया है। किसी भी तरीके की जो बारिश है वो फिलहाल 1 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होने वाली है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है।